श्री गुरु तेग बहादुर साहब की चरण छू धरती गढ़ी नज़ीर से असं खड़े हैं। गुरुद्वारा गढ़ी नज़ीर सुरजीत सिंह जी जिन्होंने इस विस्तार इस गुरुद्वारा साहब के इतिहास बारे जानकारी दी। इस थान से श्री गुरु तेग बहादुर साहब आके 40 दिन रहे। जेडे भी श्रद्धालु श्रद्धा के नाल आके अपनी स्नान करता है, श्री गुरु साहिब जी मत्था टेकद, उन्होंने की अरदास करता है, उसकी मन की इच्छावं पूरी होंदिया हैं। असी खड़े हैं इतने जे कथावा चगे हैं बाबा सुरजीत सिंह जी, गलबात करते इस गुरुद्वारे की की खासियत है, किस तरह बाबा जी देशों विदेशों में सारिया संगतों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दास सुरजीत सिंह सेवादार गुरुद्वारा गढ़ी साहब पातशाह नौवीं गढ़ी नज़ीर तहसील गुला जिला कैथल हरियाणे तो। सतसंगत जी, जिहड़ा गुरुद्वारा साहब है इत्थे साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी पंज सिखां दे समेत उदों आए सी जदों दिल्ली दे विच सीस देण वास्ते गए ने। तिलक जंजू राखा प्रभु ताखा कीनो बड्डो कलू मैं साका। सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी आनंदपुर साहब तो चल के जगह जगह दे उत्ते अस्थानां नूं भाग लाउंदे होए पहलां थड़ा साहब पहुँचे ने। थड़ा साहब दे विच इक फकीर सी जिसका नाम सी अनायत अली। अनायत अली दी झुग्गी दे विच सतगुरां ने आके चरण पाए। उन्हें सुनेहा भेजा सी इत्थों दे नवाब नूं मुहम्मद बख्श जी नूं कि तुसीं आके दर्शन कर लो। जदों ये दर्शन करन वास्ते गए इन्होंने बेनती की कि साड़ी गढ़ी दे विच तुसीं आओ जी चरण पाओ। सतगुरां ने मना कर दिता, कहण लगे फिर किते हुण नहीं असीं आ सकते। तो दोबारा फिर इन्हूं पता लग्या कि गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे औरंगजेब बादशाह ने वारंट जारी किए ने, पुलिस वाले लभदे फिरदे ने, यह दोबारा फिर जाके लैके आया। ये मुहम्मद बख्श का घर है इत्थे समाणा शहर दे विच। किसे जमाने दे विच 21 पालकियां निकलदियां सी, उन्हां दे विचों एक के नवाब सीगा। तो बड़ी शानो शौकत दे नाल इत्थे रहिंदा सी, भावे दे कोले फौज भी सी, इहदे ये पालकी विच बह के जांदा सी, जिवें अज कल दे मंत्री झंडी वाली कार लैके जांदे ने, ते उन्हां दे अगे भी पुलिस हुंदी है, पिछे भी पुलिस हुंदी है, इदां दा इहदा प्रबंध सीगा। इन्हें गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने अपने किले के 40 दिन रखे। इतने 40 दिन रख के बहुत सेवा की है। सतगुरां ने इतने वर दिता सी चढ़ी आवे लथी जावे। 1972 दे विच फिर इतने कारसे वाले महापुरश बाबा जीवन सिंह जी ने इतने सेवा लाई सी, जथेदार स्थापिया सी बाबा बख्शीश सिंह जी। इस तरह जी ये तुसी देख ही रहे हो, जिहड़ी इमारत दे दर्शन आप कर रहे हो, ये जिहड़ी इमारत तकरीबन 150 फुट की लंबाई है, 100 फुट चढ़ाई है, 130 फुट की ऊंचाई होएगी। तकरीबन 18 फुट का तो यदा खंडा उत्ते जिहड़ा छतर है उही होएगा, खंडा खंडा कह लो 18 फुट का कला खंडा साहब होएगा। एड्डी वड्डी इमारत है जिहड़ी मैं कहांगा कि शायद साढ़े इलाके दे विच एड्डी वड्डी इमारत पहला नहीं बनी। पहला इमारत बनाई गई सी 1972 च बाबा जीवन सिंह जी ने, लेकिन वह इमारत छोटी होने के कारण संगतां दा वाधा हो गया, दिक्कत आ गई। इस करके फिर कारसे वाले महापुरश जिहड़े हुण मौजूदा ने बाबा बलवीर सिंह जी, उन्हां नूं संगतां ने अपील की सी कि जिहड़ी बिल्डिंग है इहनूं वड्डा कीता जावे। तो संगतां दी बेनती नूं प्रवान करदे हुए महापुरशां ने यह जिहड़ी बिल्डिंग है इहनूं विशाल बनाउण दा फिर कार्य प्रारंभ किया। आप जी ने पुछया कि किन्ना समां लगेगा। देखो इस तरह है कि समां तां इहदा जिहड़ा मुकर किया गया सी 7 साल का सीगा, लेकिन महापुरशां ने 1 साल के संगतां के सहयोग के नाल ये जिहड़ा बिल्डिंग का ढांचा है इसनों संपूर्णता दिती है। बाकी हुण तैयारी दे विच आप सारे सियाणे भी पत्थर भी लगना है, उत्ते संगमरमर भी लगना है, जोड़ियां भी बननियां ने, ते हरेक चीज़ इत्थे स्टैंडर्ड दी लगनी है। इस करके जिहड़ा समां है समा तो लगेगा, तकरीबन हो सकता है कि 2-3 साल का समय जिहड़ा। कित्थों कित्थों संगत इत्थे नतमस्तक होंदी है, आशीर्वाद लैंदे ने गुरु साहिब जी का, किस तरह कित्थों कित्थों लोग आते हैं? बहुत दूरों दूरों संगतां देशों विदेशों के विचों बहुत सारे बच्चे ने जिहड़े इत्थे सुखना सुख के गए सीगे, जहाज चढ़ा के जाते हैं कि साडा बाहर का कार्ज हो जाए, उन्हां दा बाहर का कार्ज हुंदा है। कई कई रोगों वाले इत्थे दास नूं 15-16 साल हो गए है, कईआं दीआं रसौलियां ठीक हुई, एक दर्दी कलोनी च बीबी उहदे कैंसर भी ठीक होया इत्थों इशनान करन दे नाल। बड़े बड़े रोग ने जिहड़े असीं नाम तां नोट नहीं कीता होया सारिआं दा। किन्नी वार स्नान, किन्नी वार मत्था, किन्नी वार आना पैंदा? अपनी शरदा है, अपनी भावना है, कोई पहलां तो बंदिश नहीं पाई गई। वैसे 5 तां मशहूर ने अपने सिख कौम दे विच कि 5 वारी आपां ने इत्थे आ के इशनान करना हुंदा ते अरदास बेनती करवाउणी हुंदी है। तो सतगुरु तेग बहादुर महाराज जी कृपा करते हैं तो रोगों का इत्थे खंडन हुंदा है। संगत है जिहड़ी बहुत दूरों दूरों दिल्ली तो, राजस्थान तो, यूपी तो,
जिथों जिथों भी क्योंकि ये नैट के उत्ते भी इस गुरद्वारा साहब के आप दर्शन कर सकते हो। वो हिस्टोरीकल गुरद्वारा गुरद्वारा गढ़ी साहब पातशाह नौवीं गढ़ी नज़ीर आप लिखांगे तो ये दर्शन होणगे। संगतां ने जिहड़ियां फिर जो नैट पर देखदियां ने फिर सानू टैलीफोन आउंदा कई बार, वो संगतां दर्शन करदियां ने ते इत्थे सब दियां शुभ मनोकामना संपूर्ण हुंदियां ने। लखविंदर कौर जी, मैनू 10 साल की सेवा हो गई है जी। हाँ जी, समाने तो जी सेवा जी, मेरी तो जिंदगी की लंबी कहानी है। मैनू तो जिंदगी इत्थों मिली है, 25 साल की जिंदगी दे विच अपनी देह नाल लड़ लड़ के बाबा बलवीर के बचना दे नाल, अकाल पुरख की कृपा दे नाल, दो गंढियां दो आलूआं की सेवा ला के कट्टन की दुख कट्टिया जिंदगी दिती है, बड़ी वड्डी कृपा हुई है। नहीं तो मैं अपने मुख नाल बोलदी सां भी किते रब नहीं दुनिया ते हैगा, भी रब नहीं दुनिया ते हैगा। 25 साल दियां अरदासां नहीं सुनियां पर इत्थे आके रब वेख्या। संगत जी, जिदी जिदी कहानी सुनीए, वख वख कहानी है, सब नूं इत्थे सब कुछ मिलता है। किसी नूं दुध मिलिया, किसी नूं पुत मिलिया, किसी नूं जिंदगी मिली है, किसी नूं बच्चे मिले ने, हर बंदे दी अड अड स्टोरी है। इत्थे सब कुछ है, महापुरशां दे चरणा महापुरशां दे बचनां दे नाल संगत इन्नी जुड़ी है, कोई भी इत्थों खाली नहीं जाता, आउण दी लोड़ है, भरोसे दी लोड़ है। भगवंत कर, मैं कोई मसीत नहीं सी छड्डी, कोई समाध नहीं सी छड्डी अपनी जिंदगी वास्ते, कोई अरदास नहीं सी छड्डी, कोई गुरद्वारा नहीं सी छड्डिया। मेरे वास्ते ये गुरद्वारा सब तो वड्डा गुरद्वारा है, गढ़ी साहब जिन्हें मैंने जिंदगी बख्शी है। मैं तो बिल्कुल बेहोश रही सा, डॉक्टर ने बेहोश होने की दवाई लाई। हाँ जी, मैं दवाई रिएक्शन होकर एलर्जी इन्नी सी, ना नहाता धोता जाए, ना खाधा जाए, ना होश आए। डॉक्टर ने बेहोशी की दवाई लाई सी भी इहदी जिंदगी का कोई मुल नहीं, दवाई दो तो बेहोश करो पई रवे। मैनू इत्थों मिलिया सब कुछ। प्रकाश कौर, सानू तो टाइम तो वाहवा ही हो गया, 22 साल हो गए ने सेवा करके, सानू तो बहुत खुशी होंदी है। हाँ, महाराज सारे दुख कटदा है, वैसे ही मन नूं आनंद आउंदा, भावें जो मर्जी वो करे मन नूं आनंद आउंदा सेवा करके, अपने आप नूं खुशी जापदी है। हुण पुत फर्क तो बच्चे हुण कोई पूरा मान तां ला ही नहीं रहे, कई तो बेचारे करते भी बड़ा है, कई बेचारे नहीं भी करते। हाँ, बाकी जो कुदरत कराउंदी बंदा वो ही पुत्र करदा है। सुनेहा ये तो आपां तां इह आने पुत्र बच्चे सारे सीधे राह लगन, महाराज दे लड़ लगन, सेवा सिमरन करन। अभी तकरीबन मेरे दादा जी तो टाइम तो लैके 40-50 साल तो लैके तकरीबन सारे परिवार ही आ रहे हैं। असं ये तो जी अपने मन के श्रद्धा लैके आओ, सब कुछ मिलता, सब कुछ मिलता जी। ये कोई बड़ा रौला पाने की लोड़ नहीं हैगी भी आह मिलता, अपने मन च सोच के आ जाओ, सब कुछ मिल जाता। बलविंदर कौर, पिंड खानपुर। हाँ जी, हो चले 7-8 साल हो चले ने। हाँ जी, बहुत वधिया लगता, बहुत साडे काम बने ने, बहुत वधिया लगता सानू, काम ज़्यादा सवारे ने जी। हाँ जी, साडे काके का काम बहुत ज़्यादा अड़िया होया सीगा, इत्थों ही बने बस, सानू बाबा जी दे कोलों बहुत कुछ मिले। राजगढ़ सोंदल जी, मैनू जी 7.25 साल हो गया, कोई पैसा ही नहीं दिंदा, 10 बजे आउंदे 4 बजे चल जाईदा, कहते नहीं होंगे छुट्टी भी कर चाहिए। पहले खेतीबाड़ी करते जी, हूँ भी खेतीबाड़ी चलता काम, तो गुरु घर जुड़िया जिले नवा पैन लगा गुरुद्वारा, संगत पुराला बहुत बाहरों बाहरों पैसे आ रहे हैं, बहुत तगड़ा प्रोजेक्ट है। बाबा जी बलवीर सिंह सेवादार ने बहुत निघे ने। हाँ, मन में शांति मिलती है जी, कोई अपन बीमारी नहीं, ना हार्ट ना शुगर ना लटनों पट मैं नहीं, आप दवा भी दें, तेल वा थोड़ा मैं करा चेक, किसी का सिर दुखदा हो, लक कोई भी चीज़ दुखदी आ, बूंदा लै लो तो मालक तेग बहाद की कृपा आ शीशी, अपने कोई पैसा नहीं यदा, कोई संघ 50-100 दे सेवा ही करनी है, पैसा घर नहीं परतना सी। कोई भी सज्जन लोड़वंद हो, सिर दुखदा, अद्धा दुखदा, लक दुखदा, ढिड दुखदा, डेंगू लड़ गया, सारे बीमारी घट कर दी, कोई पैसा नहीं, संघ की सेवा ही करनी है। भाई कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक, समाणा न्यूज़।